तो अगर आप निसान की मैग्नाइट लेने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो यहाँ निसान ने अपनी मैग्नाइट में एक और ट्रिम बेसिकली लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गेजा। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी ट्रिम के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नई वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे निसान ने एक नया ट्रिम लॉन्च किया है एंड इसको नाम दिया है गेजा। तो खैर जो निसान है वो एक जापानीज कंपनी है एंड ये जो गेजा वर्ड है ये भी एक जापानीज से है एंड जापानीज में जो गेजा का मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये जो गेजा ट्रिम है ये बेसिकली उनके लिए है जिनको अपनी गाड़ी में एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। तो यानी कि अगर आपको कम पैसे में अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे गेजा इज योर चॉइस। तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो जो इसका निसान का मैग्नाइट का एक्सल वेरियंट आता है ये ठीक एक उसके ऊपर बैठती है। तो यहाँ पे निसान ने इस गेजा को 7.39 लाख रुपीज एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च किया है एंड ये जो एक्सल मैनुअल वेरियंट आता है उसके ऊपर 35,000 रुपीज का प्रीमियम कमांड करती है। तो खैर यहाँ पे आपको 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बट उस 35,000 रुपीज के बदले आपको मिल क्या क्या रहा है। तो जैसा कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलता है एंड JBL के प्रीमियम साउंड सिस्टम के अलावा यहाँ पे हमको न्यू 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको रियर में पार्किंग कैमरा हो गया, बेज कलर की अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी एंड एम्बियंट लाइटनिंग मिल जाएगी जिसको आप अपने ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसके जो भी मतलब कलर्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे को शार्क फिन एंटीना भी मिलता है एंड ये जो गेजा एडिशन है ये सिर्फ हमको एक ही वेरिएंट और ट्रिम में मिलती है एंड इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता है। तो इसमें हमको 1 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो ऑफर किया गया है जो कि 72 PS की पावर जनरेट करता है एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क एंड ये सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गियर बॉक्स के साथ आएगी। तो अभी तक तो क्या था कि जो JBL जैसे स्पीकर हो गए, बेसिकली अच्छा साउंड सिस्टम हो गया या फिर बड़ा टच स्क्रीन हो गया, ये हमारे को बड़ी बड़ी गाड़ियों के टॉप मॉडल्स में मिलते थे बट यहाँ पे निसान ने एक वाकई एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो जैसा हर किसी का बजट एक बड़ी और महंगी गाड़ी का नहीं हो सकता, कुछ लोगों को एकदम गाड़ियों के नीचे वाले वेरिएंट में भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 35,000 मार्जिनल चार्ज किया जा रहा है उसके बदले ही जो फीचर्स ऑफर किए गए हैं मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं भी रिसेंटली एक XUV700 है उसमें आग लग गई थी जिसके बाद में महिंद्रा ने उसको इंस्पेक्ट किया और बताया कि भाई साहब ने बाहर आफ्टर मार्केट से जो भी वहाँ पे एम्बिएंट लाइटनिंग लगवाई थी या जो भी अंदर फिटिंग करवाई थी एंड उसको करवाते वक्त वहाँ पे जिसने भी किया था कुछ वायर कटिंग कर दी थी, बाद में उसकी जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ एंड गाड़ी में पूरी आग लग गई। तो खैर यहाँ पे हमारे को कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से अगर ये सारी चीजें मतलब बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम है भाई, एम्बिएंट लाइटिंग जैसी चीज हो गई, इवन कैमरा हो गया रियर में, ये सारी चीजें अब इनबिल्ट मिल रही हैं और वो भी लोअर एंड के वेरिएंट जो है उसमें मिल रहा है तो काफी सही चीज है। खैर अगर आप मैग्नाइट लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस गेजा एडिशन को चूज करोगे या नहीं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।